हेलो मम्मी। मम्मी मम्मी फाइनली आज मैं वो बन गया जो पापा हैं। मम्मी अयाश नहीं बना यार, क्या करती हो तुम? मम्मी वो बन गया जो लोगों का पेट नहीं भरता। मम्मी शक्ति कपूर नहीं बना यार, किसान बना हूं यार। मम्मी इंजीनियर कैसे बनता मैं? कहती इंजीनियर क्यों नहीं बना, कैसे बनता? मेरे को गिरने वाला पुल बनाना ही नहीं आता। ओहो गुड वन। आप देखो अर्चना जी कितने पुल गिरते हैं हमारे यहाँ पर। आप लंदन चले जाओ, वहां पे ऐसे पानी की ऐसे किश्ती आती है, लंदन ब्रिज ऐसे खुल जाता है। तुमको क्या लंदन के बारे में बता रहा हूँ। बंधुआ मजदूर है ये लोग, ये यहाँ से दूसरे चैनल पे नहीं जा सकते, लंदन कहाँ से जाएंगे। मैं गरीब बाप का बेटा अर्चना जी, मैं किसान बन गया। हम तो इतने ज्यादा गरीब होते ना किसान, बैंक में लोन भी ले जाए ट्रैक्टर के लिए, बैंक वाला बोलता है गारंटी में क्या दोगे। मैंने कहा मां की कसम। अर्चना जी 1 लाख रुपए का लोन देना होता है हम किसानों को, 2 लाख फॉर्मेलिटियां कराते हैं। हाँ। पैसे फिर भी नहीं देते। माले जैसे को लोन देना होता है, अमिताभ बच्चन बन जाते केबीसी के, ये आपके खाते में गए 1000 करोड़ रुपए। मैं आपको क्या बताऊं, जिसको देखो किसानों को लूटता रहता है। 5 रुपए किलो हमसे मकई लेते हैं, उसको भुला भुला के 500 रुपए किलो हमको पॉपकॉर्न बेच देते हैं कमीने। हम किसानों को ना बिजनेस करना ही नहीं आता, इसलिए गरीब हैं हम। बिजनेस करना सीखना तो योगा वाले बाबा से सीखो। हम सच बता रहा हूँ अर्चना जी, हम किसान तो गाय का दूध 100 रुपए लीटर नहीं बेच पाते, वो गौमूत्र 500 रुपए लीटर बेचे जा रहे हैं। बड़ा खुश हूँ मैं किसान बन गया, क्योंकि हम खानदानी किसान हैं। पता है मेरे पिताजी मतलब अनाज से तो इतना प्यार करते हैं, उनका एक दाना वेस्ट नहीं होने देते। मम्मी की विदाई हो रही थी, ऐसे डोली जा रही, मम्मी ने ऐसे ना चावल पकड़ के ऐसे पीछे फेंके, पापा ने डोली वाली कार में से ऐसे छलांग लगाई, कहते बासमती नहीं फेंकना। आपको पता है ऐसी ऐसी जगह पे छिले है ना बेचारे। हनीमून के लिए स्विट्जरलैंड नहीं वैष्णो देवी गए, कहते माता रानी सब ठीक कर देगी। यार ये जो मेरा भैंस है अर्चना जी, इसने ना हीरा खा लिया है। जब से इसने हीरा खाया इसके भाव बड़े बढ़ गए, खड़े खड़े गोबर नहीं करती, कहती मेरे को जेट स्प्रे वाला कमोड लगवा के दो। सब इसको अलग तरह से ट्रीट कर रहे हैं, पता है, कोई इसको बुआ बोल रहा है, कोई इसको चाची बोल रहा है। और तो और कल मेरी मम्मी ने करवा चौथ का व्रत भी इसको देख के तोड़ लिया। मैंने कहा मम्मी क्या करी है, जानवर है। कहती तेरा बाप कौन सा शक्तिमान है, वो भी जानवर ही है। मतलब इसका गोबर वर्ल्ड फेमस हो गया। हमारे गांव में ना सलमान भाई आए थे सुल्तान की शूटिंग करने, ऐसे 5000 लोग इनको देख के ऐसे खड़े खड़े, सलमान खान आए, इतनी भीड़ थी। उधर से किसी ने बोल दिया बल्लू की भैंस ने गोबर किया है। 5000 के 5000 सलमान को छोड़ के गोबर की तरफ। सच बता रहा हूँ मैं आपको, जिंदगी में पहली बार शेरा ने सलमान भाई को अकेले छोड़ा है। यार जब से इसने हीरा खाया ना, हमने अपना धंधा चेंज कर लिया। हम इसके उपले बेचते हैं मार्केट में। अच्छा, क्या पता किसके नसीब में निकला है। ये बहुत सारे उपले किए इसने, आज सुबह ही उपले ले लो, उपले उपले में से दाल मिलेगी, चावल मिलेगा, जीरा मिलेगा, नसीब अच्छे हुए तो हीरा भी मिलेगा। उपले ले लो 5000 का 1 उपला। धोखेबाज, चोर आदमी। तूने मेरा हीरा चुराया है। इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। सर जी क्या हुआ, उपले क्यों तोड़ रहे हो गरीब के? हाइट छोटी इसलिए उपले तोड़ रहा हूँ, वरना तेरी नाक तोड़ता मैं। सर आप मेरी नाक तोड़ेंगे, आपसे बड़े हमारी गोभी में कीड़े होते हैं, आपको पता है। छोटी हाइट पे आज पंच नहीं मारना, मोनाली जी भी बैठी है। सर ये लो, ये क्या? ये रख लो, जैसी आपकी हाइट है आपकी फ्लाइंग किसी यहीं गिर गई। प्रॉब्लम क्या है? अरे यार प्रॉब्लम ये है कि तेरी भैंस ने जो हीरा खाया है वो मेरा है। सर मैं कैसे मान लूं वो हीरा आपका है? क्योंकि हीरे पे मेरा नाम लिखा था। तेरा हीरा खाया कि तेरा आधार कार्ड खाया साले? अरे यार हीरा चाहिए मुझे। एक बात बताओ सर, आपका हीरा भैंस के पास पहुंचा कैसे? आप क्या डायमंड रिंग लेके इसको प्रपोज करने गए थे? मैंने ना इनकम टैक्स के डर से हीरा घास में छुपा दिया था। ब्लैक मनी साले, अर्चना जी के कटे हुए TDS। तुम जैसे लोगों की वजह से हमारी करेंसी गिर रही, पता है।
अर्चना जी करंसी इतनी तेजी से नीचे गिर रही है, इतनी तेजी से तो शिल्पा शेट्टी नहीं गिरी थी बाजीगर फिल्म में जब शाहरुख भाई ने धक्का मारा था। इतना बुरा हाल हो गया हमारे रुपए का। बकवास अपनी बंद कर, नहीं तो पता है मेरा हीरा नहीं मिल रहा यार, पता नहीं क्या होगा। कुछ नहीं होगा, अभी बछड़ा नेकलेस पहन के पैदा होगा। खेल में जब से इसने हीरा का, आपको पता कितनी प्रॉब्लम होगी, गांव वाले इतने कमीने हैं। अर्चना जी मंदिर के बाहर का मिस के पीछे हाथ जोड़ के ज्यादा खड़े रहते हैं आजकल। उधर मेरी ज्वेलरी की दुकान खोली पड़ी है, कोई लूट के ले जाएगा, हीरा दे दे। आप ज्वेलर हैं? हाँ जी। सर जी आपसे बड़े ज्वेलरी की दुकान पे ताले होते हैं, आपको पता है। पता है मोनाली जी जितने भी गहने पहनती है हमारी दुकान से लेकर जाती है। फर्स्ट कॉपी बेचते हो? अबे यार असली माल बेचते हैं हम, असली माल। पता है बड़ी बड़ी फिल्मों में हीरोइन ने हमारे गहने पहने हमारे। कौन सी फिल्मों में सर? मर्डर टू, हेट स्टोरी, जिस्म टू। जिस फिल्म में हीरोइन ने कपड़े नहीं पहने, तेरे गहने कहाँ से पहन लिए? माल लेते कोई एक आधी अंगूठी पहनी भी होगी। जैसे सीन से ध्यान जाते हैं अंगूठी पे, आप बताओ। अर्चना जी आप एक मिनट अपना मुंह खोलना, एक मिनट प्लीज प्लीज प्लीज, एक ऐसे हल्का सा, इतना इतना। एक उनका मुंह खाली है, लॉलीपॉप उनका हो गया। ऐसे नहीं होता। तू ऐसे नहीं मारेगा है ना, अभी बुला। हेलो, क्या परितोष को कुत्ते ने काट लिया? जल्दी जल्दी अभी फटाफट हॉस्पिटल भेजो कुत्ते को। कुछ हो जाएगा उसे। मैं ना जानवरों की देखभाल करती हूँ, स्ट्रगलर्स की नहीं। स्ट्रगलर भाई साहब, इनको किसने बुलाया? इनको किसी ने नहीं बुलाया, ये ऐसी आ जाती है गधे की आवाज सुनकर। ठीक है फिर मैं जा रही हूँ। अरे मैडम 15 एपिसोड हो गए, आप मजाक नहीं समझती क्या? मैंने बुलाया आपको, मैंने है? ये देखो इस भैंस ने मेरा हीरा खा लिया है। क्या भैंस ने हीरा खा लिया? नहीं नहीं नहीं। मैडम हीरा भैंस ने खाया, चुप आप को रहा है। अपनी बकवास ना बंद करो, इसका एक्सरे कराओ फटाफट। हम गरीब लोग हैं, हमारे पास अपने एक्सरे कराने के पैसे नहीं होते। आपको पता है हमें पथरी हो जाए ना, एक्सरे नहीं कराते, मोबाइल से फोटो खींच के जूम करके देख लेते हैं कहां पर हुआ। अरे यार मुझे मेरा हीरा चाहिए, मुझे चाहिए चाहिए मुझे हीरा। जितना तू मेरे अंदर घुस रहा है ना उतना भैंस में घुसता, अब तक निकाल भी लेता पता है। तुम लोग चुप करो, मैं भैंस से बात करती हूँ, ठीक है? मैडम आपको जानवरों की भाषा समझ में आती है? हाँ तेरी भी तो समझ ही रही हूँ ना पहले एपिसोड से। मैडम आपका गधों से फ्री हो गया तो बैठ पे। एक सेकंड। अरे ये रश्मि मर जाती, तुम रश्मि ठीक तो हो ना? मैडम वो रश्मि नहीं, वो चीटी है, क्या हो गया? खबरदार जो रश्मि को चीटी कहा है तो इनमें भी जान होती है। ये क्या होती होगी, गुस्सा क्यों कर रही है? मच्छर कितने हो गए यहाँ पर? तुमने मच्छर मार दिया। रश्मि एक सेकंड तुम आराम करो। तुमने मेरे सामने मच्छर कैसे मारा? तूने रश्मि को कौन सा छुट्टी पे भेजा, वो भी मर गई तेरे मुंह में। मैडम डेंगू वाला मच्छर हो सकता है, काट लेगा तो डेंगू हो जाएगा गरीब आदमी को। हाँ तो प्यार से बात कर लेते ना। अभी कर लेते, एक और है। हेलो बेबी हाउ आर यू, आर यू डूइंग फाइन? ये तुम्हें कैसे पता फीमेल है? मर्द का खून चूस रही औरत ही होगी कि नहीं। चलो अभी उठ जाओ। वाह इनसे कुछ नहीं होगा, मैं ही करता हूँ। इसको बहन को सामने ले, आप कर रहे हो कुछ ट्राई। अभिलाष सर जी ये क्या कर रहे हो? अरे नाम सुन के क्या पता उल्टी आ जाए उसमें निकल जाए। खबरदार तुमने अभिलाष पे पंच मारा, तो मैंने कहा ना मैं जानवरों के खिलाफ एक शब्द ही सुन सकती। यार मुझे मेरा हीरा किसी भी हाल में चाहिए, मैं तेरी भैंस लेकर जा रहा हूँ, चला जा। हीरा दे मेरा, निकल भैंस दे, निकल मेरा हीरा, तेरी भैंस दे, मेरा हीरा दे दे। ये क्या है? ये क्या निकला है? हीरा। खाया हीरा दिया खीरा। मेरे को लग रहा है हीरा तो नहीं निकला, ये खीरा हमारे ज्यादा काम आएगा। क्यों?
रात को 5 बजे तक बैठ के स्क्रिप्ट लिखते हैं, आंखों के नीचे डार्क सर्कल आ जाते हैं, वो लगा इसको काट के यहाँ पर लगा लेंगे। मैं बोलता हूँ ये ज्यादा काम का है, ठीक है एक आप रखो एक हम रखते हैं। मैडम आप करीना के साथ जाओ घूमने, हम जा रहे हैं।